मेरी जन्म के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। आप लोग से बता दूं कि मैं साइकिल से आया हूं आप लोग के घर, और मेरा घर यहां से 40 किलोमीटर है। इतना बोलेंगे हम म्यूजिक करते हैं लोग, इसलिए आप लोग आ रहे हैं जी। नमस्ते दोस्तों, अभी समय आप सबको बता दूँ तो अभी 9:30 हो रहा है, और मैं अभी हूँ सरिसुआ बाज़ार में। और सरिसुआ बाज़ार में हूँ, कहाँ जा रहा हूँ आपसे बता दूँ तो मैं जा रहा हूँ रक्सौल साइकिल से, क्योंकि वहाँ पे जो है आप लोग वीडियो देखे होंगे कि साहिना खातून के साथ 4 बहनें जो है गाना गा रही है श्री राम जी के ऊपर। तो आप लोग जो है वीडियो में बने रहे देखने के लिए। हम जो है चलते हैं साहिना खातून के घर, और भी क्या क्या नाम है हमें पता नहीं है उतना, और चलते हैं उन लोगों के घर आज। ब्लॉग बना के दिखाते हैं कि कैसे एक ही रूम में 4 बहनें और माता पिता रहते हैं। आप लोग जो है वीडियो में बने रहे, और मैं अभी सरिसुआ बाज़ार में हूँ। आप लोग देख सकते हैं ये पूरा सरिसुआ बाज़ार का सीन है। कब तक पहुँचता हूँ, आप लोग जो है वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर देना, और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़। अभी 9:30 हो गया, जाने में भी 2-3 घंटा समय लग ही जाएगा। यहाँ से जो है 40 किलोमीटर है, हमारे घर से 40 किलोमीटर है रक्सौल। तो देखिए कब तक पहुँचते हैं, फिलहाल अभी चलते हैं ये साइकिल। तो अभी आप लोग बन रहे हैं वीडियो में। दोस्तों फाइनली अभी हम आ गए हैं हाईवे पर, आप दिखा रहे हैं हाईवे। ये देखिए, ये रक्सौल जाने के लिए हाईवे है, और मैं ये मेरे लाइफ में पहली बार हो रहा है कि मैं हाईवे पे साइकिल लेके चल रहा हूँ। आप लोग देख पा रहे हैं अभी रक्सौल जाने के। तो दोस्तों फाइनली अभी हम पहुँचे हैं रक्सौल में। इधर देखिए रक्सौल का बोर्ड लगा है, और रेलवे स्टेशन पास में ही, और हम अभी आए हैं रक्सौल। तो अभी यहाँ से हमको पता करना है कि उन लोगों का घर किधर है, पता लगा है कि डंकन के तरफ है। तो चलते हैं फिर डंकन के तरफ, और उधर फिर उन लोगों को पूछते हैं और गाना सुनाते हैं आप सबको। तो आप लोग जो है वीडियो में बने रहिए। दोस्तों अभी हम रेलवे लाइन क्रॉस कर रहे हैं, देखिए। तो दोस्तों फाइनली हम पहुंच चुके हैं साहिना खातून के घर पे, और ये देखिए उनकी माँ है यहाँ पे गेट पे। देखिए ये कैसे अपना बर्तन धो रही है, और ये जो घर है इनके बड़े भैया का घर है। और अभी हम चलेंगे, वो लोग अंदर है, मीडिया वाले भी आए हैं, तो वहाँ पे उनसे इंटरव्यू ले रहे हैं, बातचीत हो रहा है। तो अब हम भी चल रहे हैं, क्योंकि अभी हम जस्ट पहुँचे हैं, और ये भैया लोग भी अभी आए हैं। क्या भैया? हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? छोटा हाँ, इनको आप लोग फॉलो कीजिए, और यूट्यूब पर है तो इनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए, मेहनत करते हैं और साइकिल चला के जहाँ भी कंटेंट वायरल होता है वहाँ चले जाते हैं। तो चलिए अभी चलते हैं हम लोग उनके पास। थोड़ा रास्ता बताइए ना किधर से। यही नो दोरिया है, सीधे नहीं, सीधा नहीं, पर्दा लगाइए, यही पर्दा, यही पर्दा। देखिए अभी हम लोग आ रहे हैं अंदर। तो दोस्तों फाइनली हम पहुंच चुके हैं उन 4 बहनों के पास, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। मैं अभी आप लोग से बता दूं कि मैं साइकिल से आया हूँ आप लोग के घर, और मेरा घर यहाँ से 40 किलोमीटर है। देखिए ये आप लोग जब आप लोग वायरल हुई तो ये भाई साहब साइकिल से चल करके आप लोगों का इंटरव्यू लेने के लिए आए हैं, आप लोगों के वीडियो को दिखाने के लिए आए हैं, तो काफी मेहनती है भाई साहब। 12 बजे अभी देखिए 3:30 शायद हो ही गया है, बहुत समय हो गया हमको आए हुए, और आप लोग का इंटरव्यू चल रहा, हम लोग वेट कर रहे थे। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग अपने बारे में थोड़ा बताइए, कैसे आप लोग वायरल हो गए, गाना गाने का कहाँ से? हम कहेंगे कि वायरल अपनी जगह पे है जी जी, वायरल आप लोग की वजह से हुए हैं, हम आज यहाँ तक पहुँचे उसी वजह से हुए हैं। रही बात की अब सब का अपना एक वो चढ़ाव है, हमारा भी यूट्यूब चैनल से हम खुद भी बड़े हैं, तो मतलब कि जो ट्रेंडिंग अभी चल रहा है, इससे पहले आप लोग गाना गाती थी? हाँ, ट्रेंडिंग से पहले हम लोग बहुत बहुत गाना गाते थे। और इससे पहले कोई मीडिया वाला आए थे? उससे पहले मीडिया वाले आए थे, दो तीन मीडिया आए थे, लेकिन उससे कोई भी सफलता हम लोग को नहीं मिला। आपको सफलता कहाँ से मिला? आप लोग सफलता रही बात की मीडिया से कहे तो वो नहीं पूछा, मतलब ये जो सब लोग यहाँ पे आ रहे हैं, म्यूजिक कहाँ वीडियो वायरल हुआ वहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से सबसे पहला वीडियो जो ट्रेंडिंग चल रहा है कहाँ से वायरल हुए आप लोग?
इंडियन टाइम न्यूज। इंडियन टाइम न्यूज कहाँ पे, घर पे ही वीडियो बनाए थे या फिर कहीं और जाके? घर पे ही आके बनाए थे। घर पे ही आके बनाए थे। जिस दिन आप गए थी मनीष भैया के घर पे, उस दिन हम भी गए थे, आपको हम देखे, आप वहाँ पे गाना गा रही थी, तो वहाँ से मुझे लगता है कि वहाँ से आपको सब लोग जाना शुरुआत किए। हाँ शायद हो सकता है, आई थिंक हो सकता है। वहाँ पे भी बहुत सारा मीडिया हमसे, तो वीडियो करते 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 मैं थक गई थी वहाँ पे भी। हाँ तबीयत खराब हो गया, मैं चली गई दवाई लाने, दवाई खाने के लिए। सब आदमी को एक एक करना था, लेडीज भी की, बहुत सारा मीडिया सब मेरे साथ वीडियो किया मेरा। हम आप लोगों को भी देखे, अब तो चेहरा याद नहीं आ रहा है आपको। आपका नाम क्या हुआ? साहिना खातून। और आपका? संजीदा खातून। आपका? शुरुआत में हम लोग इधर ज्यादा टारगेट किए थे, ज्यादा फोकस आ आप लोग को, आप लोग का गाना बहुत नहीं पता, हम तो बस इतना बोलेंगे हम म्यूजिक करते हैं लोग, इसलिए आप लोग आ रहे हैं जी। तो हमें वायरल होने का शौक भी नहीं है। अच्छा, क्या जरूरी है? वैसे ही बोल रही हूं, थोड़ा ज्यादा सही बोल रहा हूं, सही बात। गुस्सा हो गई है मुझे इतना, सुबह से खाना नहीं खाई है इसलिए। अरे गुस्सा होने का बात नहीं है, सही बात बोल रहे हैं। हो गया, हम लोग स्टार्टिंग से म्यूजिक कर ही रहे हैं लोग। एक गाना सुना दीजिए जो राम जी पे है वो वाला। हाँ सब लोग गा दीजिए। हम नहीं गाएंगे, मैं तो कहा ठीक है, उनको छोड़ दीजिए, आप लोग गा दीजिए। जबरदस्ती का काम मत करो यहाँ पे, ठीक है? आप ही दो आदमी गा दीजिए, भाई को बना थोड़ा सा एक ही गा दो। हाँ ठीक है, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, मेरी जन्म के सारे दुख मिट जाएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, हो राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को कि इतना समय दिए, बहुत अभी जो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग चले गए यहाँ से वापस, इतना थोड़ा थोड़ा समय सबको दीजिए आप लोग, और आप लोग अभी एटीट्यूड मत कीजिएगा वरना देखिए रही बात, देखिए एटीट्यूड अपने द्वार पे है, अपने सामने है, देखिए एटीट्यूड करते तो हम किसी में नहीं करते वीडियो। जी जी, हमारे भी अंदर एक फीलिंग्स है, हम भी सोचते हैं कि ना हम किसी से ऐसे रगड़ के बात नहीं करें, सबसे प्यार से बात करें, लेकिन क्या करें जबरदस्ती कोई उतर जा रहे हैं अलग लेना है, तो दोस्तों फाइनली आप लोग को दिखा दिया, हम आए थे यहाँ पे मिलने के लिए, आइए थोड़ा बाहर उनका घर ना, तो एक में लेवे को दनी लो ना, तो छोड़ दे, भाई हो गया इंटरव्यू। तो दोस्तों देखिए अभी बहुत लोग यहाँ पे आए हुए हैं, ये भैया भी आए हैं, कुछ कहिएगा भाई के चैनल को सपोर्ट कीजिए। क्या है आपके चैनल का नाम? संजय प्रजापति ब्लॉग। संजय प्रजापति ब्लॉग इनके चैनल का नाम है, और आप लोग इनका वीडियो आप लोग देखिए और सपोर्ट कीजिए। अभी चार बहन जो मुस्लिम थी, रामलला पे गाना गा रही है, काफ़ी तेज़ी से वायरल भी हो रही है, भाई बहुत दूर से आए हैं, वीडियो आप लोग सपोर्ट कीजिए। साइकिल से आए हैं, बताइए साइकिल से आए हैं, अच्छा लगा कि चलिए ब्लॉग को बना लीजिए। अच्छा अभी देखेगा, देखिए सब कोई जो मेरा एक ब्लॉग वायरल हुआ है सब कोई हमको जाते हैं, थैंक यू। और ये घर है देखिए उनका, चारों बहने का जो इसमें कमरा है उसमें रहता है लोग, और हम लोग अभी आए थे 12 बजे, 3:30 हो गया, बहुत देर हम लोग का यहाँ पे लगा। इनको विशेष आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, चूँकि भाई बड़ी मेहनत करते हैं, हम रियली बात बता रहे हैं, चूँकि देखते हैं जितने भी ब्लॉगर लोग हैं या मीडिया वाले रिपोर्टर लोग हैं, सब लोगों के पास बाइक, कम से कम बाइक जरूर है, लेकिन इस भाई के पास शायद हो सके बाइक है या नहीं है वो अलग की बात है, लेकिन मेहनत वाली बात इनकी बता दे, ये साइकिल से कितना ही दूरी का है नहीं हो, चाहे वो 500 किलोमीटर की दूरी हो या 200 किलोमीटर की या 50 किलोमीटर की दूरी हो, साइकिल से तय करते हैं
वीडियो बनाते हैं, अपने चैनल पर अपलोड करते हैं, तो इनकी मेहनत को देख करके कम से कम आप लोग इनको सपोर्ट जरूर कीजिए। चलिए, थैंक यू।